हेलो गाइस, यू आर वाचिंग क्लैश विद संदीप रॉयल न्यूज के एपिसोड 8 में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मेरे पास क्लैश रॉयल से रिलेटेड काफी सारे न्यूज है, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज सीजन 12 से रिलेटेड आ रहा है। तो सीजन 12 में आपको टोटल 2 न्यू मोड्स देखने को मिल जाएंगे। जो पहला मोड है, इस मोड का नाम होने वाला है मिरर मोड। एंड यहां पर दोनों प्लेयर्स के पास सेम डेक होने वाला है। एंड इस मोड के बैटल्स वॉन करने के लिए स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा मोड है, इस मोड का नाम होने वाला है फायर क्रैकर फायर फाइट। एंड इस मोड में आपको फायर क्रैकर 2 के पेयर में सारे एरिना में दिख जाएंगी। जो दूसरा न्यूज है वो क्लैश रॉयल के टूर्नामेंट से रिलेटेड आ रहा है। तो आज क्लैश रॉयल के टूर्नामेंट का वीक 2 था। एंड आप में से काफी सारे प्लेयर्स ने तो ये 100% खेला ही होगा। एंड आपको इसका जो रिजल्ट है कल पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ऐप में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो वीक 3 है वो नेक्स्ट संडे को स्टार्ट होने वाला है। जो तीसरा न्यूज है वो क्लैश रॉयल के कार्ड इन्फो से रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ पर इन्फर्नो ड्रैगन का एक न्यू इमेज ऐड कर दिया गया है कार्ड इन्फो में। एंड ये जो इमेज है देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड इस इमेज को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एंड यहाँ पर जो बैटल रैम है इसका भी न्यू इमेज ऐड कर दिया गया है। एंड जो बैटल रैम है इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एंड यहाँ पर जो मिनी पैक का है इसका भी न्यू इमेज कार्ड इन्फो में ऐड कर दिया गया है। एंड ये जो इमेज है ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको इन तीनों कार्ड का जो न्यू इमेज है वो कैसा लगा। जो फोर्थ न्यूज है वो आइस विजार्ड के इन्फो स्क्रीन से रिलेटेड आ रहा है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये इमेज देख सकते हैं, ये होने वाला है आइस विजार्ड का न्यू इन्फो स्क्रीन इमेज। एंड ये जो इमेज है देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इमेज है ये अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी इस इमेज में काम काफ़ी ज़्यादा बाकी है। एंड इस इमेज को कम्प्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि जो हमारा ओल्ड आइस विजार्ड का यहाँ पर इन्फो स्क्रीन था ये काफ़ी जल्दी रिमूव होने वाला है। एंड मेरे पास यहाँ पर आइस विजार्ड के न्यू इन्फो स्क्रीन से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, जो हमारा न्यू आइस विजार्ड का इन्फो स्क्रीन है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो न्यू आइस विजार्ड का इन्फो स्क्रीन लगा वो कैसा लगा। जो फिफ्थ न्यूज़ है वो क्लैश रॉयल के न्यू बुक से रिलेटेड आ रहा है। द आर्ट ऑफ सुपर सेल का फर्स्ट लुक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड ये जो बुक है इसमें आपको सुपर सेल के सारे गेम्स के कैरेक्टर कार्ड एंड इमेज, इनके बारे में हर एक चीज़ डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस बुक में हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा कि जो क्लैश रॉयल के गेम डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर इन सारे कैरेक्टर्स को कैसे डिज़ाइन किया। एंड आपको यहाँ पर हर एक कैरेक्टर्स का स्टोरी एंड साथ ही साथ इमेज भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो बुक है आपको इस साल के एंड तक शॉप में देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको सुपर सेल का ये जो न्यू बुक है वो कैसा लगा। मेरे को ये जो बुक है देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। एंड यहाँ पर जो इमेजेस है जो इस बुक में वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। जो सिक्स्थ न्यूज़ है वो क्लैश रॉयल के न्यू कार्ड स्केलेटन ड्रैगन से रिलेटेड आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको ये इमेज दिखाया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें कि स्केलेटन ड्रैगन का हिट पॉइंट एंड डैमेज दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर इसका हिट पॉइंट एंड डैमेज है ये रिलीज से पहले चेंज हो सकता है, क्योंकि सुपर सेल ने ये बात कन्फर्म कर दिया है कि वो रिलीज से पहले इस कार्ड के ऊपर बैलेंस चेंज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।